पिछले क्लास में हमने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का नीड कब पड़ता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, इसके बारे में आपको समझाया गया था। आज हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंडीशंस में रेजोनेंस जो होता है पॉसिबल होगा इन एनी मॉलिक्यूल। तो आज हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। हाउएवर वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो गौर ये कीजिएगा कि अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड शॉर्ट में हम आर एच लिख रहे हैं एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर को सी एस लिख रहे हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका दो कारण होता है। पहला तो यह है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, वो बहुत सारे न्यूक्लियस के इंट्रैक्शन में होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि वो डीलोकलाइज हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी घटता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है वो रिपल्सन भी घटेगा। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल than any of the canonical structure, any of the canonical structure। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है than any of the canonical structure। ठीक है, there are two reasons for stability of या for higher stability of resonance hybrid का ज्यादा stability होने का दो reason होता है। पहला, in resonance hybrid Nucleus electron attraction increases। Nucleus और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा। और दूसरा, इन रेजोनेंस हाइब्रिड जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीजेस। इन दोनों बातों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कैसे ये है। ठीक है, तो कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल, दिस वन CH2CH डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें रेजोनेंस का तो आप जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा इसका यही होगा। आप देखिए, पहली बात तो रेजोनेंस करवाते हैं हम इसमें, तो रेजोनेंस अगर हम करवाएंगे तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करें तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करें तो इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है,
दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, अगर हम ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH CH CH2, आप देख सकते हो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कर रहा है। अल्टीमेटली पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यही जो है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। जहां तक प्लस माइनस की बात है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, बिकॉज जितना प्लस है उतना ही माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसमें न्यूट्रल रहेगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये सब है, ये सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये है, पहला जो फर्स्ट वन है इज द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों ज्यादा स्टेबल है। एक्चुअली में एक सिंपल सा रूल होता है कि एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ऑब्वियसली इसमें ज्यादा बॉन्ड है। बॉन्ड गिनने के लिए आपको पाई बॉन्ड गिनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड गिनने का जरूरत है नहीं, बिकॉज उसका संख्या चेंज करता नहीं है। सो दो पाई बॉन्ड है, इन सब में वन पाई बॉन्ड है। तो जो हम अगर लिखें ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो आपके पास ये फिगर आएगा CH2 CH फिर CH फिर CH2, और ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट है जिसके बीच में आपका पाई बॉन्ड, जिसके बीच में आपका पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। अल्टीमेटली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां आया प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर, आप ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये क्या मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये दो पाई इलेक्ट्रॉन इन दो निकली आई से, और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन ये दो निकली आई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम फिर ऑर्बिटल पिक्चर लिखे रेजोनेंस हाइब्रिड का, ऑर्बिटल पिक्चर लिखे अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का, रेजोनेंस हाइब्रिड का अगर ऑर्बिटल पिक्चर लिखा जाए तो इस तरह से होगा। पाई इलेक्ट्रॉन, चार पाई इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर से देखना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो आप देख सकते हो इसी मॉलिक्यूल का हमने ऑर्बिटल पिक्चर लिखा है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड का, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हमने इसी का ऑर्बिटल पिक्चर बना दिया है। आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि हमने जो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी को हम लिखा है, यहां पर हमने ऑर्बिटल पिक्चर बना दिया है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिस वन। तो गौर कीजिए, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहें तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है यहां पर, उसमें ये दो पाई इलेक्ट्रॉन ये दो न्यूक्लियस से अटैच है, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन ये दो न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू टू कार्बन न्यूक्लियाई, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दो कार्बन न्यूक्लियाई से अटैच है, जबकि यहां पर whereas in this one, in resonance hybrid, four electrons are simultaneously, four electrons are simultaneously
अट्रैक्टेड टू फोर न्यूक्लियाई, फोर कार्बन न्यूक्लियाई। ऑब्वियस ही बात है कि जो चार इलेक्ट्रॉन्स होगा वो चार कार्बन न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है, वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जिसमें दो कार्बन न्यूक्लियाई से सिर्फ अटैच हो। तो फर्स्ट वन ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हेंस अट्रैक्टिव फोर्स, हेंस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स इज हायर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, इन रेजोनेंस हाइब्रिड कंपेयर टू एनी ऑफ कंपेयर टू एनी ऑफ द लिखेंगे जो होते हैं कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंपेयर टू दैट इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बजाय जो आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड कंपेयर टू दैट इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कन्फाइंड है, दो पाई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कन्फाइंड है, मतलब ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा होगा मिड वाला रीजन, ये जो है अवेलेबल नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, जबकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हर जगह अवेलेबिलिटी है, हर स्पेस में हर जगह वो मूव कर सकता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स घटेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहां पर सिर्फ दो इस रीजन में दो इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन में दो इलेक्ट्रॉन और एक चार इलेक्ट्रॉन पूरे जगह पे अवेलेबल है, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली रिपल्सन घट रहा है। तो इन रेजोनेंस हाइब्रिड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई मोर स्पेस विद इन द मॉलिक्यूल एंड हेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई मोर स्पेस विद इन द मॉलिक्यूल एंड हेंस रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन देम, रिपल्सन बिटवीन देम डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो आप कि कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में पहला तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने के कारण आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स घट रहा है, रिपल्सिव फोर्स घटने के कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो दोनों फैक्टर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्यों ज्यादा है। लोग आगे करते हैं, आगे हम लोग करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। हमने आपको अभी बताया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होगा। अगर आप एनर्जी डायग्राम पे लिखो तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर आप ये लिखते हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका यहां पर होगा, एनर्जी लेस होगा बिकॉज स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये CS1 है, ये CS2 है, ये CS3 है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर तीन लिखा। तो किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा,
और इसीलिए जब भी कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा तो एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा मतलब है एनर्जी बाहर निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसी रिलीज एनर्जी को जब मोस्ट अस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। जब मोस्ट अस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा कि जब ये जो है आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे, इसमें जो रिलीज होगा उसको रेजोनेंस एनर्जी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि वेन कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी इज रिलीज्ड, हमेशा एनर्जी जो होगा हमेशा रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when most stable canonical structure for resonance hybrid is called resonance energy, when canonical structure for resonance hybrid energy is released, इसके बाद है the amount of energy released when most stable canonical structure form resonance hybrid is called resonance energy. Resonance energy क्या होगा, हमेशा इस तरह से define होगा, resonance energy will be equal to, आप कह सकते हो कि potential energy of, या energy भी कह सकते हो, most stable canonical structure minus, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, याद रखिएगा विथ निगेटिव साइन, ये जो है ऑलवेज निगेटिव होता है विथ निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन। ठीक है, हमने उल्टा लिखा है तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट अस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से आप रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। और इसलिए सो रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज, रेजोनेंस एनर्जी जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, रेजोनेंस एनर्जी जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, यही जो है कंसेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का,